नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल डीडी हिमाचल की खास पेशकश योग और जीवन के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा वर्मा दर्शकों कहा जाता है कि योग जीवन जीने का सही विज्ञान है इसीलिए हम सभी को किसी न किसी रूप में इसे अपने दैनिक जीवन में अवश्य शामिल करना चाहिए योग ना केवल हमें मानसिक और शारीरिक कष्टों से ही छुटकारा दिलाता है लेकिन ये एक ऐसे सूत्र की तरह काम करता है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं फिर वो चाहे आत्मिक हो आध्यात्मिक हो भौतिक हो मानसिक हो या शारीरिक हो इन सभी पहलुओं को एक सूत्र में बांधने का काम योग ही करता है शायद यही कारण है कि आज ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लाखों लोग योग का सहारा लेकर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने खुद को स्वस्थ रखने का कार्य कर रहे हैं तो आज भी हम एक ऐसा ही विषय बदलते मौसम में योग के महत्व लेकर हाजिर हुए हैं जिस पर हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे हमारी विशेषज्ञ श्रीमती प्रीति गोयल जी से प्रीति जी आपका हमारे स्टूडियोज में स्वागत है थैंक्स वेरी मच साथ ही हमारे साथ आज योग आसनों का प्रदर्शन करने के लिए हमारे प्रदर्शक रहेंगे श्री घोरपड़े प्रशांत जी तो प्रीति जी सबसे पहला प्रश्न तो हमारा आपसे यही रहेगा कि योग का आपके जीवन में कब आगमन हुआ और योग के साथ आपकी जो ये यात्रा है ये कैसी रही अब तक की गरिमा सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी और दूसरी बात की जैसा आपने कहा कि योग ही सिर्फ एक ऐसी क्रिया है जो माइंड बॉडी एंड सोल तीनों को इंटीग्रेट करती है बात रही मेरी योग यात्रा की तो 2008 में मुझे टाइप ऑफ कैंसर डायग्नोज हुआ था तो जैसा कि आ, सभी एज बहुत कम थी और मैं भी सभी की तरह डर गई थी ऑपरेट भी करवाया बट जो पोस्ट सर्जरी इम्पैक्ट थे उनसे मैं बहुत परेशान थी तो ये कहते हैं कि डेस्टिनी होती है तो एक एक्सपर्ट मुझे मिले और उन्होंने मुझे कुछ मुद्राओं के बारे में और कुछ प्राणायाम के बारे में बताया तो जब डेली रूटीन में मैंने उसे यूज़ किया तो उससे काफ़ी ज़्यादा यानी कहको हो कि मैं मेरे कल ही कहूँगी कि मेरी लाइफ में हुआ तो वही अगेन कि हम लोगों की आदत होती है कि कुछ फर्क पड़ता है तो हम छोड़ देते हैं तो जब दोबारा मुझे फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हुए अगेन मैंने फिर योग में और प्राणायाम में जब उसको अपनाया तो फिर वही मुझे चेंजेस दोबारा मिले तो इसीलिए यहीं से मेरी योग यात्रा शुरू हुई बारह साल इससे जुड़े हुए हो गए और वहीं से कि जब खुद को उसमें बेनिफिट्स मिले दोबारा मुझे उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी इवन कोविड के टाइम पर मुझे टेलबोन इंजरी तक हुई वो मैंने योग के माध्यम से अपने आप अपनी ही उससे ठीक करी जी। तो वहीं से ये कोशिश रही कि साथ साथ जितने लोगों को हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं और उनको जितने भी स्वास्थ्य लाभ हम दे सकते हैं तो यही है जी तो प्रीति जी जैसा हमारा आज का विषय है बदलते मौसम में योग का महत्व तो क्या मौसम के बदलने के साथ जो हमें कई बार कुछ समस्याएं सामना करना पड़ता है उनका इलाज योग के द्वारा हो सकता है बिल्कुल करीमा कोई भी प्रॉब्लम चाहे वो वेदर के अकॉर्डिंग हो या हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हो किसी भी चीज को हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं बशर्ते कि हम उसमें रेगुलरिटी में रहें जी। योग और प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है हमारी बॉडी में सेवेंटी टू थाउजेंड एनर्जी चैनल होते हैं जिन्हें हम सिर्फ योग की क्रिया से ही एक्टिवेट करके चक्रास के बारे में सभी ने सुना है लेकिन ये नहीं पता कि उसे एक्टिवेट कैसे करना है तो सिर्फ और योग और प्राणायाम के माध्यम से अगर आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम से उसे करते हैं तो हम उसे एक्टिवेट करके चाहे वो सीजनल प्रॉब्लम हो या आजकल हम कहें कि सभी का लाइफ ऐसा हो गया है कि चाहे आप हाई बी कह लो चाहे माइग्रेन कह लो तो वो सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं योग के माध्यम से हम इजीली उसे क्योर कर सकते हैं जी बिल्कुल और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ का मौसम भी हमेशा बदलता ही रहता है तो हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे, ऐसे स्पेसिफिक बीमारियां हैं या रोग हैं जो हिमाचल के लिए लोगों के लिए ही है और जो जिसका वो समाधान योग के द्वारा पा सकते हैं आ, बिल्कुल करीमा अगर मैं इस वेदर की स्पेसिफिक बात करूं तो जैसे अभी सर्दी के बाद थोड़ा गर्मी का सीजन आएगा तो जो बीच का मिड का सीजन होता है इसमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है खासतौर पे अगर मैं हिमाचल की बात करूं हिमाचल में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है लेकिन अगर अभी की मैं बात करूँ जो वेदर चेंज होगा इसमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी जो रेनी सीजन के बाद इंडाइजेशन होता है उसमें जो स्टमक से रिलेटेड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो इसमें इंडाइजेशन ज़्यादा रहता है तो उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी इंडाइजेशन से रिलेटेड जो भी योगासना या प्राणायाम है वो मैं अपने एक्सपर्ट को कहूँगी कि वो कर कर दिखाएंगे लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि पानी गंदा था इसलिए मच्छर आए या मच्छर ने आकर पानी गंदा किया आ, पानी गंदा था शायद इसलिए मच्छर आए बिल्कुल कोई भी इंडाइजेशन भी जो इस सीज़न में चेंज होने की वजह से होता है जब हमारी बॉडी में कुछ भी टॉक्सिन्स रहते हैं खाया हुआ हमें हजम नहीं होता तो उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे एक्सपर्ट जो प्रशांत हैं वो इंडाइजेशन से रिलेटेड कुछ आसनाज यहाँ पर कर कर दिखाएंगे तो सबसे पहले मैं उन्हें कहूँगी कि अगर हम सीटिंग में बात करें तो हम साइड बैंडिंग इसमें कर सकते हैं कि हम अपना जो राइट हैंड है वो साइड की तरफ स्प्रेड करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ से आप लेकर आएंगे जी इनहेल करके फिर हम सेंटर में आएंगे और राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को शोल्डर लेवल के बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाकर हम ट्विस्ट करेंगे इनहेल करते हुए सामने की तरफ आएंगे इसी तरह साइड बेंडिंग की अगर हम बात करें तो राइट हैंड को नीचे फर्श के ऊपर ड्रॉप करके लेफ्ट हैंड को कान के पास से बिल्कुल सीधा साइड की तरफ हम लगाएंगे अगर खड़े होकर हम आसनास की बात करें तो खड़े होकर जो ट्विस्टिंग इसमें एक्जेल करके आप सामने की तरफ आएंगे खड़े होकर जो हम डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड जो हम आसनास कर सकते हैं इसमें उत्कट आसन एक महत्वपूर्ण आसन है एक्जेल करके नीचे की तरफ आप बैठेंगे जी प्रीति जी जब तक ये आसन करके दिखाते हैं तब तक आप हमें जैसे आपने बात की उत्कट आसन की जी तो इस आसन से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं आप इसके उत्कट आसन में, में अगर हम बात करें तो जैसे ओबेसिटी के लिए ये बहुत अच्छा आसन है क्योंकि इंडाइजेशन जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी रूट कॉज है किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो उससे ओबेसिटी हो गई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई सारी प्रॉब्लम जो है इंडाइजेशन की वजह से ही रहती है उत्कट आसन में अगर हम ट्विस्टिंग पोज करते हैं तो एक्जेल करके जब राइट साइड की तरफ हम जाते हैं तो ये आपका एक्जेल करके डिटॉक्सीफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है mm -hmm. ये आसना इसलिए है कि अगर मैं बात करूँ हमारी बॉडी में कोई भी स्क्रबर नहीं लगा mm -hmm. जो भी हम खाते हैं mm -hmm. तो हम उसे निकालेंगे कैसे तो जितने भी हमारे ट्विस्टिंग के पोस््चर रहते हैं इसने अगर उत्कट आसन में हमने आ, किया है अगर हम उत्कट आसन में ही ट्विस्टिंग के बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे और राइट हैंड को ऊपर की तरफ इसमें इन्हेल एक्सेल का स्पेसिफिक ध्यान रखना होता है तो जैसे हम आ, कपड़ा जब गंदा होता है उसको धोने के बाद जब हम निचोड़ते हैं तो उसमें से पानी के साथ साथ काफ़ी गंदगी भी निकल जाती है तो ये आसनास उसी तरह हमारी बॉडी पर काम करते हैं कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिनस होते हैं या इनडाइजेस्टिव फूड होता है उन इसके माध्यम से हम इजीली निकाल सकते हैं एंड रिलैक्स जी और अगर हम और भी आसन अभी हम जानेंगे आपसे इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए जी. लेकिन सबसे उस उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे हम योग की बात करते हैं और प्राणायाम की बात करते हैं हुँ. तो ये क्या दो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल जो योग रहता है वो आपकी शारीरिक एक्टिविटी है जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी को आ, सही शेप में ला सकते हैं जैसा मैंने कहा कि आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं आपके विचारों की शुद्धि की तो वो आप कैसे करेंगे सिर्फ प्राणायाम ही एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ विचारों को लेकर कि जितनी भी प्रॉब्लम रहती है ओवर थिंकिंग जी ओवर थिंकिंग होती है उससे डिप्रेशन होता है डिप्रेशन होता है एनजाइटी लेवल इंक्रीज़ होता है स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है और अगेन वही सारी प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ की हो जाती हैं तो सिर्फ एक एक्टिविटी प्राणायाम एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको अगर हम सही सिक्वेंस में अगर करते हैं तो हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ये डिफरेंस है दोनों में शारीरिक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और उसको लाइनअप करने के लिए आपकी आसनास और जो दिमाग को जितने भी आपके थॉट प्रोसेस को क्लीन करने के लिए प्राणायाम जी तो आ, ये हमने बात की योग और प्राणायाम की अगर हम हिमाचल, बात करे, हिमाचल की बात करें हिमाचल के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के लोगों को और वैसे भी पूरे भारतवर्ष में ही आ, जो एक सर्वाइकल की हम बात करते हैं जोड़ों में दर्द की जो बात करते हैं ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो इसके आ, लिए किस तरह करीमा से? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका अगर मैं सर्वाइकल स्पन्डलाइटिस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये हमारा अगेन लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है क्योंकि जो हमारी मूवमेंट है जो हमारे सी थ्री और सी फोर में जो प्रॉब्लम आती है वो हम मूवमेंट ही नहीं करते उतने पार्ट की या फिर अगेन जो आजकल हमारा लाइफ uh, है हम मोबाइल पर इस तरह से रहते हैं कोई लैपटॉप पर ज़्यादा काम कर रहा है पोस्चर कैसा रहता है नीचे की तरफ तो अगेन जो प्रॉब्लम आती है स्पाइनल में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उससे सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटस की प्रॉब्लम होती है और बैक पेन क्योंकि सारा दिन सिटिंग पोस्चर रहता है तो बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है आपने बात करी अर्थराइटिस की अगर मैं हिमाचल में बात करूँ तो हिमाचल में जॉइंट्स की स्वेलिंग इट्स अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस वो रहता है इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थराइटिस जिसमें अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो जॉइंट्स में स्वेलिंग उसके लिए रहती है जी। तो उसके लिए जितने भी सूक्ष्म प्राणायाम रहते हैं तो वो इसके लिए किए जाते हैं जैसा कि हाथों की मूवमेंट होगी आपके जितने भी ज्वाइंट्स एक एक की मूवमेंट होगी इन्हेल एक्सेल के साथ जब हम उसे प्रॉपर वे में करते हैं तो वो उसको क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो कोई ऐसे प्राणायाम है जो हमारे दर्शक कर सकते हैं और उनका हम डेमो दिखा सकते हैं अपने बिल्कुल को। मैं अपने सहयोगी प्रशांत से कहूँगी कि जितने भी ज्वाइंट मूवमेंट्स रहती हैं वो इसमें यहाँ पर बड़े ही शॉर्ट उसमें वो करके दिखाएंगे जी और जब प्रशांत जी हमें दिखा रहे हैं उतनी देर में आप इन आसनों के नाम और इनसे क्या फायदा हो सकता है क्यों ना इस बारे में दर्शकों को देखिए जो 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 की प्रॉब्लम मैंने आपको जो आपको बताया है की प्रॉब्लम रहती है है ना जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम जी, रहती जी. है वायु का कहीं पर हमारी बॉडी में सवाद पित्त और कफ को हम लोग समझते ही हैं अगर ज्यादा नहीं समझते तो सुनते तो हम आ ही रहे हैं आयुर्वेद का हमारे हिस्सा है तो जितनी भी ज्वाइंट्स की मूवमेंट हम करते हैं उससे वात जो है वो ज्वाइंट्स की जब रिलीज होती है तो उसमें वो हेल्प आउट करता है और कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो अगर इनको डेली रूटीन में दो या तीन बार अगर उसको यूज करता है तो वो इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक क्योर कर सकता है यानी वो एक क्रॉनिक स्टेज पर जाने से बच जाएंगे जी प्रीति जी जब हम योग और योग आसन और प्राणायाम की बात कर रहे थे तो आपने एक बात की प्राणायाम के सीक्वेंस की जी तो क्या ये प्राणायाम किसी का एक कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है और क्या इसे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही करना जरूरी होता है गरिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है प्राणायाम एक सिक्वेंस में करना वेरी इंपॉर्टेंट रहता है जैसे कि हम बात करते हैं आसन करते समय पहले हम बॉडी को वार्म करते हैं ठीक उसके बाद हम आसनास करते हैं उसके बाद हम बॉडी को कूल डाउन करते हैं इसी तरह प्राणायाम में भी पहले जो प्राणाया प्राणायाम हम करते हैं वो बॉडी को वार्म अप के लिए रहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम भस्त्रिका करते हैं जी। वो बॉडी को वार्म करता है कपाल भाती भी बॉडी को वार्म करता है उसके बाद आपका रहता है उज्जयी प्राणायाम जिसके काफ़ी सारे फायदे हैं थारॉइड पेशेंट के लिए ठीक रहता है गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन होता है उसके लिए अच्छा रहता है उसके बाद रहता है आपका अलोम विलोम प्राणायाम अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि पहले वो हाई पिच पर थे भस्त्री का हाई पिच पर रहता है उसके बाद कपालभाती भी हाई पिच पर रहता है उसके बाद उज्जै और कपाल भाती जो आपका अलोम विलोम प्राणायाम है वो कूल डाउन की तरफ आता है और लास्ट में हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम जो हमारी नर्व्स को बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है तो ये मेन सीक्वेंस रहता है अगर हम इस सीक्वेंस में करेंगे तो ही प्राणायाम का फायदा है अगर हमने पहले अलोम अलोमलोम या भ्रामरी भ्रामरी हमारी नर्व्स को रिलैक्स कर रहा है उसके बाद हम भस्त्री का कर रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा सीक्वेंस हो गया जी जी तो प्रीति जी हम जैसे बात कर रहे हैं अभी सीक्वेंस की हमने बात कर ली एक और जो धारणा सभी के दर्शकों के और हमारे मन में भी ये रहती है कि जो प्राणायाम है या योग है वो सुबह सुबह जल्दी उठ करके ही कर लेना चाहिए मतलब अगर सुबह नहीं किया तो फिर सारे दिन में समय नहीं मिलेगा तो क्या योग करने का कोई उचित समय है कि ये इसी समय पर किया जाना चाहिए या आगे पीछे कभी नहीं कर सकते हैं गरिमा प्राणायाम की अगर सॉरी अगर हम योगा की अगर हम बात करते हैं तो देर इज़ नो डाउट कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग इसको करते हैं तो सुबह क्यों करना चाहिए पहले ये समझना चाहिए आ, हम पूरे सात आठ घंटे जितने भी टाइम की हमने नींद ली होती है उसके बाद हमारा एक एक ऑर्गन क्योंकि हम उसके बाद फ्रेश होते हैं नेचर कॉल हमें आती है एक एक ऑर्गन हमारा रिलैक्स होता है उसको कोई ज़्यादा कोई और काम नहीं करना होता तो उस टाइम पर अगर हम योग को अपनाते हैं तो हमारी बॉडी को उसका पूरा फ़ायदा मिलता है इनहेल एक्सेल हम प्रॉपर करते हैं आसनाज हम प्रॉपर करते हैं अगेन अगर आपको सुबह वक्त नहीं मिला आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाने का तीन घंटे का गैप रख के बाद में नहीं कर सकते खाने का गैप रखिए शाम को कीजिए कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर वो उतना आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा अगर हंड्रेड परसेंट नहीं पहुंचाएगा तो फिफ्टी परसेंट तो पहुंचाएगा ही ना उसे तो कीजिए तो इसलिए बेशक मॉर्निंग इज अ बेटर टाइम बट अगर नहीं कर पाते तो आप शाम को तीन घंटे का सॉलिड के गैप के बाद कर सकते हैं जी बिल्कुल अब अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिलाओं की कुछ ऐसी स्पेसिफिक समस्याएं होती है जैसे आजकल हम देख रहे हैं पी जैसी एक, एक समस्या है जो लगभग हर दूसरी महिला को इसका सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए कोई योगासन हो जो जब महिलाएँ करके इससे खुद को बचा सकें देखिए जिसने आपने महिलाओं की प्रॉब्लम की बात कही पीसीओडी की आपने बात कही उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये आजकल इतना बढ़ क्यों गया है जी है ना अगर हम अस अब से 10 या 12 साल पहले या 15 साल पहले बात करें शायद कभी किसी ने यह शब्द सुना भी नहीं, नहीं। था कि पीसीओडी रहता क्या है या आपको अगर हम बात करें जितनी भी पैल्विक रीज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम है होती क्यों है हम जो खाना खाते हैं वो हमारा जिस तरह मैंने अगेन कहा कि प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इनल करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है कुछ आसना ऐसे हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये वाला स्पेसिफ़िक प्राणायाम नहीं करना या ये वाला नहीं करना अगर करना है तो उसकी स्पेसिफ़िक रेशो रहती है तो उसी तरह जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो जो हमारा ब्लड है वो हम एक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं हमने कुछ भी खाया तो ये आपकी मर्जी है कि आप उस ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई अच्छी चीज़ रखकर ट्रैवल करवा दो या कोई आ, आप कुछ भी यानी कि बर्गर खा लिया पिज्जा खा लिया ये सब खाकर आप ट्रैवल करा दो डिपेंड्स अपॉन यू तो जब वो ब्लड के थ्रू यानी जब हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं ब्लड के थ्रू वो हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है तो जहां पर वो स्टक हो गया हुँ. वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो गई जिसके नेक पर प्रॉब्लम आगे टॉक्सिन इकट्ठे हो गए माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी पैल्विक रीजन में स्ट्रक हो गया पी की या जितनी भी इस तरह से इनफर्टिलिटी जो आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो अगेन जब हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेंगे तो हम इन सारी प्रॉब्लम से इजिली इनको हम क्योर कर सकते हैं जी तो बॉडी डिटॉक्सीफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए कौन से योगासन या प्राणायाम रहता है जो हमारे प्रदर्शक हमें अभी दिखा सकते हैं जी अगर हम पी की अगर हम बात करते हैं तो पी के लिए क्योंकि मेन हमारे पैल्विक रीजन से रिलेटेड ये समस्या होती हैं तो इसमें आपका बटरफ्लाई हो गया और आपका मलासन हो गया और स्कंद आसन हो गया ये कुछ प्राणायाम है अगर हम इनको रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो हम इसको क्योर कर सकते हैं जी और इसके साथ ही एक जो हिमाचल प्रदेश में हमने देखा है कि ये समस्या सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक की और बीपी और मधुमेह की समस्या तो लगभग सभी को पूरे देश भर में होती है तो इसमें किस तरह से योग हमारी सहायता कर सकता है देखिए हार्ट की जो समस्या रहती है उसमें यह रहता है कि अगर आपको आप ऑपरेट करवा ही चुके हो कि प्रॉब्लम हो चुकी है तो अगेन सिर्फ प्राणायाम इसके लिए सोल्यूशन रहता है बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसा कि भी आपको सिर्फ आइडेंटिफाई हुई है आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या डॉक्टर ने बोला है इन फ्यूचर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है तो जितने भी चेस्ट ओपनिंग के जितने आसनाज रहते हैं सब फ्रंट साइड से आपने इन्हेल किया एक्जेल करके चेस्ट ओपन कर लिया आपका कैमल पोज हो गया या आपका ब्रिज पोज हो गया ये कुछ आसनाज हैं जिनको करके हम हार्ट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्योर कर सकते हैं अगेन मधुमेह अगर आप खाने को अगर अपने थोड़ा करेक्ट करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम्स को ईजिली क्योर कर सकते हैं जी प्रीति जी हमने ये भी सुना है कि ऐसे कई आसन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो या आपका बी हाई हो तो आपको ये आसन नहीं करने चाहिए लेकिन फिर कुछ समस्याओं का समाधान भी उन्हीं आसनों को बताया जाता है तो अगर कोई हार्ट की समस्या वाला पेशेंट या हाई बीपी वाला पेशेंट उन आसनों को करना चाहे तो उसका कोई तरीका है अगेन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसा प्राणायाम की बात है uh -huh. uh, अब हम कहते हैं कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको uh, कपाल भाती नहीं करना चाहिए जी. कर सकते हैं बट एक एक सिंगल स्ट्रॉक अगर इस रेशो में हम करते हैं तो वो कपाल भाती कर सकते हैं आ, तो आ, अलोम विलोम प्राणायाम उनके लिए बहुत अच्छा रहता है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हार्ट के पेशेंट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगानी कम फोर्स के साथ अगर करेंगे ऐसा कैमल पोज है अगर आप बिल्कुल आ, बिगनर लेवल के ऊपर करते हैं तो वो बेनिफिशियल हो सकते हैं जी तो आ, क्या ये कुछ आसन आसन हमारे प्रदर्शक भी करके दिखा सकते हैं जी नहीं? बिल्कुल मैं अपने सहयोगी प्रशांत को कहूँगी कि वो हार्ट से रिलेटेड चेस्ट ओपनिंग का पहले प्राणायाम जो आसन है वो करके दिखाएंगे दोनों हाथ सामने की तरफ बैंड करेंगे सामने और एक्सेल करके साइड की तरफ ओपन करेंगे इनहेल एक्सेल इसमें मेन जितना भी है इनहेल एक्सेल का बहुत बड़ा रोल रहता है कि इनहेल करते हुए सामने की तरफ और एक्सेल करते हुए चेस्ट ओपनिंग जो है इसमें रहती है जी आ, दूसरा प्राणायाम अगर हम सिटिंग की मैं बात करूं तो पोज जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है कि बैठ जाएंगे आसन पर अपने नी बैंड करके दोनों हाथ सामने की तरफ राइट right हैंड को घुमाकर पीछे की तरफ राइट right हील पर रखेंगे अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो अपने पाँव को आप टक इन कर सकते हैं फिर दूसरा हाथ लेफ़्ट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और लेफ़्ट हील के ऊपर उसे रख के लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जितनी आपकी लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और एक्जेल करते हुए सामने की तरफ चाइल्ड पोज में आ जाएंगे पहले राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड अगेन वही सीक्वेंस बहुत मैटर करता है या बॉडी के अकॉर्डिंग आप अपनी उसे कर सकते हैं जी और हमने बात की थी माइग्रेन की तो माइग्रेन संबंधी कोई आसन हो जो हमारे दर्शक देख सीख सकते हैं माइग्रेन के लिए एक तो भ्रामरी प्राणायाम सबसे अच्छा रहता है जी। आ, दूसरा रहता है उज्जै प्राणायाम इसके लिए माइग्रेन के लिए उज्जै प्राणायाम रहता है और उज्जै के साथ साथ हम सिंगनाद जो ये दो आसन हैं ये थायराइड पेशेंट के लिए और माइग्रेन पेशेंट के लिए दोनों के लिए ही बहुत अच्छे रहते हैं जी और एक हम बात कर रहे हैं आजकल बुजुर्गों में एक एल्जाइमर्स की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है तो हम कहते हैं कि योग ना केवल शारीरिक परेशानियों का ही समाधान है बल्कि मानसिक भी परेशानियों का हमारा समाधान है तो किस तरह से अल्जाइमर्स में हमारा योग हमें मदद कर सकता है अल्ज़ाइमर का जैसे मैंने आपको बताया था कि थॉट प्रोसेस जितना ज़्यादा होता है हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो अल्ज़ाइमर की समस्या आपने कहा बुज़ुर्गों को आज के समय में हम बात करें तो 40 और 40 प्लस एज के लोगों को भी ये समस्या होने लगी है जैसा मेमोरी के ऊपर इम्पैक्ट आता है धीरे धीरे भूलने लगते हैं लेकिन हाँ जब स्टेज ज़्यादा हो जाती है तो वो शायद अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं तो शोल्डर स्टैंड जैसी कुछ आसना है शोल्डर स्टैंड है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है तो ये आसना जब इनकी प्रैक्टिस करते हैं किसी की गाइडलाइन के अंदर तो नहीं। नहीं। इनसे धीरे धीरे उनमें काफ़ी ये कहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा स्टेज पर पहुँच चुके हैं पूरी तरह से क्योर तो नहीं होते लेकिन हाँ अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं या बीच के आप अवधि में हैं तो आप उसे ईजिली क्योर कर सकते हैं जी प्रीति जी और अभी देखिए हम मानसिक परेशानियों की बात कर रहे हैं तो स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो एकाग्रता बहुत ज़रूरी है तो हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए कोई योगासन हो जो जिससे बच्चों की मदद हो जाए देखिए जैसा आपने बोला कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और बिना वजह के बिन बुलाई टेंशन वो लोग लेकर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा समय भी उनके पास जैसा नहीं रहता बैठ के जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं वो कर सकते हैं उसके अलावा अनोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करके वो डी स्ट्रेस भी हो सकते हैं और एक चीज इसमें मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग अक्सर हम लोग तो हमारी आपको पता है कि जिससे हम उसको हंड्रेड यूज कर सकते हैं दर्शक जरूर इस बारे में जानना चाहेंगे विलोम प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जब हम राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है और जब हम नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं तो हमारा जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव होता है और ये इतना अगर हम इसको रूटीन में धीरे धीरे इसकी रेशो बढ़ाएं पाँच मिनट करें दस मिनट करें पंद्रह मिनट करें तो ये जादू की तरह काम करता है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं एक्सपीरियंस की अगर बात कहूँ जो मैंने खुद बच्चों के साथ ये चीज़ें एक्टिविटी करी हैं तो उनके पेरेंट्स का खुद ही आकर कहना होता है कि जो बच्चा हमारा एटी लेता था वो नाइन्टी परसेंट पे और नाइन्टी की भी अगर मैं बात ना करूँ कि बच्चे ने कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दिया है उसको कोई टेंशन नहीं हुई उस समय पर ये चीज़ें देखने में सामने आई हैं जी तो देखिए प्रीति जी हमने बात कर ली कि किस तरह से हमारे मानसिक क्षमता को योग और प्राणायाम बढ़ा सकता है हमने बात कर ली कि किस सीक्वेंस में हमें ये करना चाहिए okay. अब अगर हम समय की बात करें कि कितने समय तक करना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर मुझसे एक मिनट हो रहा है तो ये पूरा नहीं हो पा रहा है या कुछ लोगों को लगता है कि हम पाँच दस मिनट तक भी कंटिन्यू ये योगासन या ये प्राणायाम कर सकते हैं तो वो करते ही जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक समय पी टाइम पीरियड होता है कि ये आसन सिर्फ़ इतने समय तक ही करना है आ, नहीं करीमा ऐसा नहीं रहता अगेन जैसा कि अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल के हैं ऐसा कि सभी को ये लगता है कि योग बड़ी ही बोरिंग सी चीज़ है ऐसा नहीं होता जब आप इसको धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी में अगर आप आज बैठे हैं आप आज अलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं आप फाइव टाइम राइट साइड से इन्हील करो फाइव टाइम लेफ़्ट साइड से इन्हेल करो धीरे धीरे उसको बढ़ाओ नेक्स्ट डे उसको सेवन टाइम्स कर दो फिर टेन टाइम्स कर दो तो धीरे धीरे उसकी हम रेशो बढ़ा सकते हैं और इसकी रेशो अगर मैं स्पेसिफिक कपाल भाती की अगर मैं बात करती हूँ कपाल भाती टू स्ट्रोक लोग सोच कर ही एक बार बोलते हैं कि टू थाउजेंड लेकिन जब आप करने लगते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बनता है इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं अगर मैं बात करूँ स्किन से रिलेटेड ज़्यादातर अगर फीमेल्स होती हैं अपने फेस को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं पिगमेंटेशन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर दो हज़ार आप कपाल भाती के लगाने शुरू कर दो आप उस रेशो तक पहुँच जाओ तो आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है स्किन के जितने भी फेस के ऊपर पैचेस होते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कपाल भाती एक सिंगल ऐसी क्रिया है जिससे आप उसको ठीक कर सकते हैं जी प्रीति जी वैसे तो आपने हमें अच्छे से बहुत अच्छे से इतने सारे एग्जाम्पल देकर समझाई दिया है कि योग एक बहुत ही बेहतर साधन है माध्यम है अपने जी. जीवन को दुरुस्त करने का लेकिन फिर भी अगर आप कार्यक्रम समाप्ति से पहले हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहें योग से संबंधित तो कृपया उन तक ये <laughs> जानकारी पहुँचा दें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी टिप्स एंड ट्रिक्स में कि पहले तो अपना जो लाइफ है उसे धीरे धीरे मैं ये नहीं कहती ओवरनाइट कुछ नहीं होता धीरे धीरे आप अपनी रूटीन को सुधारें हम जिस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हमारा स्लीपिंग पैटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए मैं कहूँगी कि विटामिन डी और बी ट्वेल्व सभी चेक कराएं। जी चेक कराने के बाद डेफिशिएंसी होती है तो उससे रिलेटेड जो भी अगर आपकी विटामिन डी से रिलेटेड आपके लिक्विड शॉर्ट्स हैं वो डिपेंड करता है कि कितनी रेशो आपकी कम है आप उसे लें बी ट्वेल्व के लिए वीट ग्रास जूस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता आप उसको एक जिंदगी का हिस्सा बनाएं वो आपको डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पोटेशियम की कमी है मैग्नीशियम की कमी है उसे भी क्योर करता है और स्लीपिंग पैटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन डी की कमी से आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है आपका वेट गेन होता है विटामिन डी की कमी से जी प्रीति जी आज आप हमारे स्टूडियोज में आई और हम तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रशांत जी का भी जिन्होंने हमें इतने सारे योग आसन करके दिखाए तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही लेते हैं इजाज़त नमस्कार